गुड मॉर्निंग बच्चों, हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को मालूम है कि इस शीतकालीन अवकाश के बाद हमारा विद्यालय नियमित रूप से नहीं खुल सका है, इसीलिए हम घर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। और आज आपकी थर्ड क्लास की ईवीएस की क्लास शुरू होती है, और जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे पाठ 10 समुद्र तटीय मैदान। आप इससे पहले के लेसन आप पढ़ चुके हैं और इस लेसन को हम आज की कक्षा में पढ़ेंगे। आपकी बुक में देखिए ये पाठ 10 समुद्र तटीय मैदान, ये भारत का नक्शा बना हुआ है। और कहां कहां पर समुद्र तटीय मैदान है, देखिए जो नीले रंग का हिस्सा दिखा है जल वाला, ये देखिए भारत के तीन ओर, यहाँ 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 पर समुद्र तटीय मैदान है ये हिस्सा। और जो ऊपर का उत्तरी हिस्सा है, पूर्व पश्चिम और दक्षिण में तो समुद्र है, और उत्तरी हिस्से में पर्वतमाला है, कौन सी, हिमालय पर्वतमाला। तो ये आज हम इन मैदानों के बारे में अध्ययन करेंगे इस पाठ के अंदर, कि समुद्र तटीय मैदान क्या होते हैं, यानी समुद्र के आसपास का जो हिस्सा है वो समुद्र तटीय मैदान बनता है और वो किस तरह से बनता है। देखिए जो नदियां हैं जब पहाड़ों से निकलती हैं तो वो कहाँ जाकर मिलती हैं, सारी नदियां समुद्रों में गिरती हैं, चाहे वो पूर्व के हिस्से के समुद्रों में गिरे हैं, चाहे दक्षिण या पश्चिम के, तो वो जब नदियां वहां जाती हैं और इससे सारा जो जल है वो जल राशि कहाँ पहुंचती है, समुद्र में, उनके आसपास का जो मैदानी हिस्सा है वो समुद्र तटीय मैदान कहलाते हैं। अब सबसे पहले तो हमारा देश कौन सा है, मैंने अभी किसका नक्शा दिखाया था आपको, भारत, किसका नक्शा दिखाया था, भारत देश का नक्शा, ये आपके सामने देखिए, ये उत्तर दिशा, पूर्व, पश्चिम और ये दक्षिण, ये तीन और समुद्र है और उत्तर में हिमालय है। और भारत देश इस महाद्वीप में संसार बहुत बड़ा है, आपको सभी को मालूम है कि संसार में बहुत सारे देश हैं, उसमें एक देश हमारा भारत भी है और कई महाद्वीप हैं, और एशिया महाद्वीप में हमारा देश भारत है। कौन से महाद्वीप में स्थित है हमारा देश, एशिया महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप में स्थित है हमारा देश, एशिया महाद्वीप में। और भारत क्या है, एक प्रायद्वीप है और एशिया महाद्वीप के अंतर्गत स्थित है, इसलिए प्रायद्वीप क्यों है, क्योंकि ये तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। अब जो ये हमारा समुद्र तटीय मैंने आपको मैदान बताया, इसकी लंबाई कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लंबाई लगभग 6000 किलोमीटर है। कितनी है इसकी लंबाई, समुद्र तट की मैदान, मैदान की लंबाई 6000 किलोमीटर। और प्रायद्वीप का अर्थ मैंने जैसे आपको पहले भी स्पष्ट किया, वापिस बता रही हूँ, जो भूभाग यानी ये जो भूमि का हिस्सा, ये भूमि है और ये जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है ये कहलाता है प्रायद्वीप। क्यों, क्योंकि भारत के इस ओर तो क्या है, पर्वतमाला है, और तीन ओर से जो भूभाग गिरा होता है वो कहलाता है प्रायद्वीप। तो भारत भी इसलिए प्रायद्वीप है और ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। और कहां स्थित है ये, एशिया महाद्वीप, भारत कौन से महाद्वीप में स्थित है, एशिया महाद्वीप में। अब उसके बाद इसकी लंबाई मैंने आपको बताई 6000 किलोमीटर, प्रायद्वीप का अर्थ स्पष्ट हो गया। अब समुद्र तटीय मैदान प्रमुख रूप से दो है, देखिए ये पूर्व वाला, ये पश्चिम वाला, पूर्व तटीय मैदान और पश्चिम तटीय मैदान, कितने मैदान है हमारे समुद्र तटीय मैदान, दो, पूर्व तटीय और पश्चिम तटीय मैदान। अब इसी के संबंधित हम कुछ प्रश्नों का हल भी करेंगे। अब समुद्र तट का होने से लाभ क्या है, बहुत सारे लाभ हैं जिनको हम कल नियमित रूप से आगे की कक्षा में भी करेंगे, फिर भी थोड़े थोड़े से मैं आपको इसके बता देती हूँ। पूर्व तटीय मैदान के बारे में हम सबसे पहले हम स्पष्ट करते हैं कि जितनी भी पूर्व तटीय मैदान है, यहाँ पर जो गंगा नदी या अन्य जो नदियां हैं, गंगा की सहायक नदियां, और वो जाकर, ये देखिए ये हमारा है पूर्व तटीय मैदान, ये गंगा नदी हिमालय पर्वत से निकलती है और इसकी जो सहायक नदियां इसमें मिल जाती हैं वो सब की सब कन्याकुमारी है, लास्ट में दिख रहा है सभी को, कन्याकुमारी अपनी बुक में देखिए आप सब खोलकर, यहाँ पर जाकर गिरती है। और इनके साथ जो भी ये डेल्टा बनाती है, अपने साथ जो भी खनिज लवण बहाकर लाती है या जो भी उपजाऊ मिट्टी लाती है, उससे ये मैदान जो है बहुत उपजाऊ बनता है। और समुद्र तटीय मैदानों के आसपास क्या होते हैं, बंदरगाह भी होते हैं, जिन पर बंदरगाह का मतलब जहाँ पर जल यान आके रुकते हैं, पानी के जहाज आकर रुकते हैं, वहां से सामान लाने ले जाने का कारण
ये जो हमारे देश का विकास होता है, कुछ व्यापार कार्य होते हैं, वस्तुएं आती हैं जाती हैं दूसरे देशों से, एक राज्य से दूसरे राज्य से, और भारी सामान जो है वो हम हवाई जहाज में ले जा सकते हैं, या ट्रेन से कई जगह ट्रेन नहीं पहुंच पाती है, सड़क यातायात से नहीं पहुंच सकते, समुद्र होते हैं, तो ऐसे ही विदेशों से सामान लाने ले जाने का कार्य जो अधिक भारी मात्रा में होता है वो समुद्र तटीय मैदानों के द्वारा किया जाता है। इसीलिए भी समुद्र तटीय मैदानों की उपयोगिता बहुत है, और अलग अलग मैदानों की अलग अलग जलवायु होती है, इसलिए उत्पादन भी अलग अलग होता है, उनसे कई तरह के लाभ होते हैं। और समुद्र तटीय मैदानों की जो भूमि होती है बहुत ही उपजाऊ होती है, क्योंकि नदियों द्वारा जो मिट्टी वहां बाहर लाई जाती है उससे वो डेल्टा बनता है और वहां पर कई तरह की फसलें होती है। अब आपको मैं पूर्व तटीय मैदान के बारे में बताऊं, मुख्य रूप से ये दक्षिण से लेकर कन्याकुमारी तक, दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला है, और गंगा नदी जो है यहाँ पर आकर गिरती है, और गंगा का जो डेल्टा है यहाँ पर बनता है, हिमालय पर्वत से निकलती है, आप सभी को मालूम है गंगा नदी, और ये बहुत अधिक मात्रा में चौड़ा है, इसका जो पार्ट है ना ये देखिए ये बहुत चौड़ा है, इसीलिए यहाँ अधिक फसलों का उत्पादन होता है। और यहाँ की मुख्य फसल क्या है, चावल सबसे ज्यादा यहाँ, क्योंकि चावल की खेती के लिए जब धान बोया जाता है तो पहले अधिक गहरा पानी है, लगभग एक हाथ के करीब में जो अच्छी उपजाऊ मिट्टी है उसमें पानी होना चाहिए, तब धान के जब पौधे बढ़ जाते हैं तब उनको जाकर खेतों में उगाया जाता है, फिर चावल की फसल का उत्पादन होता है। तो पानी सबसे अधिक कहाँ मिलेगा, जहाँ साफ सुथरे तटीय मैदान है, नदियों द्वारा बहा के लाई गई उपजाऊ मिट्टी है, तो वहाँ फसल की जो है अच्छी पैदावार होती है। और सबसे ज्यादा मुख्य फसल यहाँ की कौन सी है, पूर्व तटीय मैदान की, चावल, और ये वर्ष भर हरा भरा रहता है, क्योंकि समुद्रों के पास वाष्पीकरण की क्रिया ज्यादा होती है, बादल बनते हैं जिनसे वर्षा भी अधिक होती है, पानी अधिक होता है नदियों द्वारा बहाया गया, और पेड़ पौधे अधिक उगते हैं, और जो पेड़ पौधे होते हैं वो वर्षा को लाने में सहायक होते हैं, इसीलिए यहाँ पर जो है सबसे अधिक वर्षा होती है। अब मैंने बताया यहाँ पर कई बंदरगाह भी स्थित है, अब कौन कौन से बंदरगाह है यहाँ पर देखो, सबसे पहले कोलकाता, क्योंकि कोलकाता एक हमारी बिग सिटी है, मेट्रो सिटी है, इसका बंदरगाह भी यहाँ पड़ता है, विशाखापट्टनम ये भी बिग सिटी है, और चेन्नई, मद्रास जिसका पूर्व में नाम था, ये तीनों बंदरगाह इन तीनों शहरों के प्रमुख रूप से यही पड़ते हैं, और इनके जो पानी के जो जहाज है समुद्र में रहते हैं चलते हैं, विदेशों का जो जितना भी व्यापार कार्य है वो किसके द्वारा होता है, इन समुद्री जहाजों के, इसलिए हमारे बंदरगाहों की उपयोगिता भी बहुत अधिक है, चाहे पेट्रोलियम पदार्थ हो या अन्य कोई खाद्यान्न सामग्री है, दवाइयां है, सिलेंडर है, कुछ भी, जैसे अभी कोरोना काल में कहीं से दवाइयां मंगाई गई, कई देशों से सिलेंडर आए, और या भी कई कई बड़ी मशीनें आई जो इलाज में काम आती थी, या कई फैक्ट्री कल कारखानों के लिए सामग्री चाहिए, कुछ भी, या हमारा एक देश से बना हुआ जो सामान है वो दूसरे देशों को भेजा जाता है, तो भी हमें जलयान का यानी पानी के जहाज का उपयोग करना होता है। इस तरह से आप देखते हो कि समुद्र तटीय मैदानों की क्या उपयोगिता है। अब चेन्नई से कन्याकुमारी के बीच का जो तट है, ये जो कोने वाला हिस्सा है, ये हिस्सा, ये क्या कहलाता है, कोरमंडल, क्या कहलाता है, कोरमंडल, ये देखिए आपकी बुक में आप उठाकर देखेंगे, ये हिस्सा नुकीला सा जो दिख रहा है ये कहलाता है कोरमंडल। आप देखते हो कि आप ये कार्य तो होते हैं, साथ ही साथ मछलियां किसमें बनती हैं, जल में, पानी में, और मछली उत्पादन भी ऐसे क्षेत्रों में ज्यादा होता है जहां पर जल की मात्रा अधिक होती है, नदियों का डेल्टा, उस कारण से भी पानी रहता है, और नदियां आती हैं तो समुद्र में तो पानी है ही नहीं, वो तो अधा जल राशि है जल की, तो यहाँ मछली पालन का कार्य भी किया जाता है, और इससे कई तरह के उद्योग धंधे उस पर डिपेंड होते हैं जो मछली उद्योग से संबंधित है, कई दवाइयां भी बनती हैं मछलियों से, और खाने के लिए, खाने में तो कई लोग जो नॉन वेजिटेरियन है, मांसाहारी लोग हैं, उसका उपयोग करते ही हैं, और हमारे देश की कई अच्छी मछलियां उनको विदेशों तक भी निर्यात किया जाता है, तो इसका मतलब हमारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी, हमारा बिजनेस भी, इंटरनेशनल बिजनेस भी वो इस पर डिपेंड करता है, और इसीलिए हमारे समुद्र तटीय मैदानों की उपयोगिता है। आज की कक्षा में इतना अध्ययन करते हैं, उनसे संबंधित प्रश्नों का हम हल करेंगे, कल आगे का पाठ पश्चिम तटीय मैदानों को हम लगातार कंटिन्यू आगे की क्लास में जारी रखेंगे। अब सबसे पहले देखिए इसमें कुछ प्रश्न जो मैंने अभी आपको समझाया उससे संबंधित, हमारे देश का क्या नाम है, सभी को मालूम ना, जब से पहले हम अपने देश का नाम सुन रहे होंगे, जब से आपने सोचना समझना बोलना सीखा, तो हमारे देश का नाम क्या है, भारत, इंडिया इज माय कंट्री, भारत मेरे देश का नाम है, और ये किस महाद्वीप में स्थित है, एशिया महाद्वीप में, कौन से, एशिया महाद्वीप में स्थित है, और भारत, दूसरा प्रश्न है, भारत
कि कितनी और समुद्र है, मैंने आपको नक्शे में बताया भारत के तीन और समुद्र है, कितनी और, तीन और, पूर्व पश्चिम और दक्षिण तीन दिशाओं में समुद्र पड़ता है। अब प्रायद्वीप का क्या अर्थ है, जो भूभाग तीन ओर से जल से घिरा होता है वह प्रायद्वीप कहलाता है, इसीलिए भारत भी एक प्रायद्वीप है। आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको गृह कार्य भी करना है और क्लास वर्क के प्रश्न आपके व्हाट्सएप पे आपको प्राप्त हो जाएंगे, आपकी क्लास का जब आप लिंक खोलेंगे। और इसी के साथ ही मैं आपको कुछ होमवर्क के प्रश्न दे रही हूँ, जो आपको मैंने आज की क्लास में समझाया है उसी में से इनके उत्तर मिलेंगे। कक्षा कार्य के प्रश्न है, इसके पश्चात देखिए दो प्रश्न मैं आपको होमवर्क के लिए, जिनका हल आपको स्वयं करना होगा, उत्तर स्वयं करने होंगे। जिन बच्चों ने ध्यान से समझा या पढ़ा या आज का वीडियो देखा, वो बहुत जल्दी इन प्रश्नों का हल कर लेंगे। अब गृह कार्य के प्रश्न देखिए दो, कक्षा कार्य में मैंने तीन करवाए, तो गृह कार्य का प्रश्न हो गया नंबर चार, क्योंकि तीन हमने CW में कर लिए, चौथा प्रश्न करेंगे हम कक्षा कार्य में। भारत के समुद्र तटीय मैदान को कितने भागों में बांटा गया है, पहला चौथा प्रश्न, भारत के समुद्र तटीय मैदानों को कितने भागों में बांटा गया है, सबने सुना ध्यान से, अब समझ में आ गया होगा, दो भागों में। कौन कौन से दो भाग, पूर्व तटीय और पश्चिम तटीय, ठीक है। ये आप अगला प्रश्न देखिए, आप पांचवा प्रश्न की आप समुद्र तटीय मैदानों से ही है आपका पांचवा प्रश्न भी, कि कौन कौन से बंदरगाह, मैंने आज आपको नाम बताए हैं, पूर्व तटीय मैदानों में, पूर्व तटीय मैदान, पूर्व तटीय मैदान के कौन कौन से बंदरगाह हैं। अभी मैंने तीन नाम बताए थे आपको, कौन कौन सी सिटी में है, एक तो चेन्नई, दूसरा विशाखापट्टनम, और तीसरा कोलकाता। तीन बंदरगाहें, इसका उत्तर मैंने आपको बता दिया, और चौथे का उत्तर आपने क्लास भी अटेंड की है और यहाँ भी मैंने आपको मुख्य बिंदुओं में भी समझाया, पूर्व तटीय मैदान और पश्चिम तटीय मैदान। सो हम इसका उत्तर करेंगे, पांचवें का उत्तर मैंने आपको यही बता दिया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आज की कक्षा यही समाप्त होती है।